तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करूंगा और हम ये इसमें स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पोस्ट एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशियल स्टूडेंट्स के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, हायर जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज का पार्ट वन है, और मैं गगनदीप सिंह studies.in से ये पर्टिकुलर पोस्ट आपके लिए कर रहा हूँ। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। इससे यह होगा कि जब भी मैं कोई नया पोस्ट करता हूँ वीडियो, आपको साथ के साथ अपडेट मिल पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप जुडिशियल जो अपडेट्स हैं, जैसे कि कोई भी नया केस लॉ या लैंडमार्क जजमेंट्स या लॉ की डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और फर्दर फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि आप उन पर्टिकुलर पोस्ट को फॉलो करके आप ये जान पाएं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए और इवन जो मेंस के लिए आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप ये सब एग्जाम्स क्लियर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके चैप्टर्स को कैसे याद करना है। दूसरी बात कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों पढ़ते हैं। तीसरा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल को हम डिफाइन करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे कि जो एविडेंस एक्ट है उसको अगर मेजर देखा जाए तो हम उसको तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये तीन पार्ट्स है क्या। नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स की हेडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए क्या क्या वो हेडिंग्स हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि उन हेडिंग्स के अंडर कितने कितने सेक्शंस कहाँ पे कवर्ड हैं। अब हम बात करते हैं इन चैप्टर्स को याद करने का तरीका क्या है। तो आप एक स्टोरी याद कीजिए। जब मैंने पिंक रोज दिया फ्रेंड के ओल्ड डैड को, तो उन्होंने एक बड़ा ही एहसान किया, से बोले कि जाओ ऐसी एक ऐसे राइटिंग की बुक लेके आओ जिसमें 167 सेक्शंस कवर्ड हैं। अब जानते हैं इस स्टोरी में ऐसी क्या चीज है जिससे आपको 11 चैप्टर्स याद हो जाएंगे। स्टोरी है क्या, जब मैंने पिंक रोज दिया फ्रेंड के ओल्ड डैड को, तो उन्होंने एक बड़ा एहसान किया और वो अपने सेंटा से बोले कि एक ऐसी ऐसे राइटिंग की किताब लेके आओ। अब पिंक का अगर हम पी जो पकड़ें, उस केस में पी मतलब प्रिलिमिनरी चैप्टर वन, रोज का अगर आप आर देखोगे, आर मतलब चैप्टर टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, फ्रेंड में से एफ पिक कीजिए, फ्रेंड में से एफ पिक कीजिए, चैप्टर थ्री फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ओल्ड में से ओ, चैप्टर फोर ओरल एविडेंस, डैड में से डी, चैप्टर फाइव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक इसमें से ई पिक करें, चैप्टर सिक्स एक्सक्लूजन ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बड़ा तो बड़ा में से हम बी पिक करते हैं, चैप्टर सेवन बर्डन ऑफ प्रूफ, एहसान का ई, चैप्टर एट एस्टोपल, वो का डब्ल्यू, चैप्टर नाइन विटनेसेस, ऐसी चैप्टर टेन दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस ई से। अब जो राइटिंग वाला वर्ड है, राइटिंग का डब्ल्यू साइलेंट है, तो हमने आर पिक किया रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। होप दोस्तों आप इस स्टोरी से बहुत इजीली चैप्टर नंबर्स याद कर पाएंगे एविडेंस एक्ट के। फर्दर देखते हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि हम एविडेंस एक्ट स्टडी क्यों करते हैं। उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात, हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कवर द ट्रुथ, मतलब जो भी कंसर्न्ड ट्रांजेक्शन है, जो भी कंसर्न्ड केस है, उसमें उसका मेन सच क्या है। और दूसरी बात, जब भी हम ट्रुथ की बात करते हैं, वॉट एवर इज सबमिटेड इन द कोर्ट फॉर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, तो एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी हम किसी चीज़ को ट्रुथ को फाइंड करते हैं। अब
कोर्ट को ये देखना है दैट वॉट एवर इज सबमिटेड वेदर इट इज रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट. तो एविडेंस एक्ट ये बताता है कि कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं और कौन सी चीज़ें रेलेवेंट नहीं हैं. इसके अलावा हम बात करते हैं कि एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स. पहली बात, जब हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड एविडेंस, दूसरा वर्ड है टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, थर्ड वर्ड है प्रूफ. अब हम इन तीनों वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, एविडेंस, टेस्टिमनी और प्रूफ. एविडेंस, जैसे मैंने पहले भी बात की, एविडेंस का मतलब है कि पर्टिकुलर ट्रुथ क्या है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है. टेस्टिमनी मतलब उसको प्रूफ कौन करेगा, दैट इज विटनेसेस. और प्रूफ का मतलब यहाँ पे है व्हाट इज द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग. अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका इफेक्ट क्या निकला. तो हमने तीन वर्ड जाने, पहला एविडेंस, दूसरा टेस्टिमनी, तीसरा प्रूफ. अब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. और फ्रेंड्स, ये सारा कंटेंट आपको मेंस में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए काफ़ी रोल प्ले करेगा अगर आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक पता है. तो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे. पहली बात, जब भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है टू डिसाइड द केस विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस. तो मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये हमें हेल्प करता है कि जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पे केस डिसाइड होगा, वॉट एवर इज अलीज्ड बाय द कंप्लेनेंट. नेक्स्ट, जो ऑपोजिट पार्टी है वो बात करेगी, मतलब जो डिफेंडेंट है वो बात करेगा कि दैट दिस थिंग डजेंट एग्जिस्ट. वो बात करेगा कि ये चीज़ तो जी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो बेसिकली एविडेंस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ये चीज़ चेक करती है कि जो भी कंप्लेनेंट ने एलिज किया क्या वो सही है, या जो डिफेंडेंट कह रहा है कि जी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. तो दोनों में ये डिसाइड करता है वॉट एवर इज एलिज्ड. जब हम बात करते हैं ओवरऑल किसी भी केस के रिगार्डिंग, तो एक चीज़ की बात की जाती है, द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ. द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ फंडामेंट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी कोर्ट. द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी कोर्ट. तो मतलब जब भी हम किसी एविडेंस की बात करेंगे तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी पर्टिकुलर केस है उसके डेप्थ तक जाके ट्रुथ फाइंड करे. इसका मतलब ये है. थोड़ा सा कंटेंट अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की बात करें, जो एविडेंस एक्ट है, जो एविडेंस एक्ट है उसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिसका शॉर्टकट अभी मैंने आपको बताया. टोटल 11 चैप्टर्स हैं और इसमें टोटल 167 सेक्शंस हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया. और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1st सितंबर 1872 एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन. फर्दर इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के. हम एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, क्या एविडेंस एक्ट सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है? अब दोनों वर्ड्स समझते हैं, सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है. अब देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉज हैं वो सिर्फ ये बताते हैं क्या कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, और प्रोसीजरल लॉ ये बताते हैं, प्रोसीजरल लॉ, कि हमें उस ऑफेंस के रिगार्डिंग डील कैसे करना है. सब्सटेंटिव लॉज के एग्जांपल हैं जैसे कि इंडियन पीनल कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. और अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो एग्जांपल्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट. और आपका जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट किया, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, दैट इज़ अ
प्रोसीजरल लॉ, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर के रिगार्डिंग डील करता है जब भी हम किसी केस की बात करते हैं। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट को हम तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे, और वो तीन पार्ट्स क्या हैं, पहला व्हाट, दूसरा हाउ, तीसरा हु। अब इनका मीनिंग क्या है, व्हाट का मतलब व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, और ये पार्ट कवर होगा सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक। और जब हम बात करते हैं हाउ फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, तो ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे सेक्शन 59 से लेके सेक्शन 100 तक। और नेक्स्ट पार्ट हु विल प्रूव दोज फैक्ट्स, हु विल प्रूव दोज फैक्ट्स, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 166 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।